गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में नगर निगम द्वारा मिक्सन रूफ सोसाइटी के पास जंपिंग ग्राउंड बनाए जाने से बेहद परेशान सिकरोड ग्राम भोगापुर और मिक्सन रूफ के निवासियों द्वारा डंपिंग ग्राउंड स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से उठने वाली बदबू से उनका जीना दूभर हो गया है। डंपिंग ग्राउंड में 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा खोदकर कूड़ा भरे जाने से पानी भी दूषित हो चुका है। लोगों की मांग है कि डंपिंग ग्राउंड में तत्काल कूड़ा डालना बंद किया जाए। नियमों के विपरीत बनाए गए डंपिंग ग्राउंड में दोषी नगर निगम अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इसे लेकर प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरठ मंडलायुक्त और गाजियाबाद के जिला अधिकारी को शिकायत पत्र भी भेजा गया है। फेडरेशन ऑफ AOA से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि इन पत्रों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उनकी तत्काल कूड़ा डाला जाना बंद किए जाने से संबंधी याचिका पर नगर निगम आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर को दिए गए समुचित कार्रवाई करने के आदेश का पालन न करने, मिलने का समय मांगे जाने के बावजूद उनके द्वारा समय न दिए जाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के शेड्यूल प्रथम में दिए गए नियमों का पालन नहीं किए जाने में, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि ऐसे किसी जगह पर लैंडफिल नहीं बनाई जा सकती जहां आसपास निवास हो और हवाई अड्डा हो, कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दिए जाने के संबंध में जांच किए जाने की भी प्रार्थना की गई है। राजनगर एक्सटेंशन के पास ही वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। सेना के जहाज एक्सटेंशन के ऊपर से ही अपनी ऊंचाई को कम करते हुए लैंड करते हैं। एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि उपस्थित पीड़ितों के बीच उनकी मांग है कि डंपिंग ग्राउंड स्थल मौके पर क्षेत्र के बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी ने पहुंचकर ग्राउंड को बंद कराने का आश्वासन पीड़ितों को दिया है।